हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का नीड ऑफ फिजिक्स चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले मोशन एंड प्लेन का चौथा वीडियो, जिसमें हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि पीरियड, रेडियस वेक्टर, एंगुलर स्पीड। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं ये लेक्चर के साथ। तो पीरियड क्या होता है गाइस? तो पीरियड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट दिस सर्कुलर मोशन, देखो अभी सपोज मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट एंटायर वन रिवॉल्यूशन ओके अराउंड द अर्थ, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो सिमिलरली रेडियस वेक्टर क्या होता है गाइस? तो रेडियस वेक्टर ना, सबसे पहले तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन मैं आपको बताता हूँ। तो रेडियस सिंपल अगर आप देखोगे तो सर्कल का रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक, ठीक है, बॉर्डर तक, सर्कल का जो भी बॉर्डर होता है, सर्कल से लेके सेंटर से लेके बॉर्डर तक जो भी डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो रेडियस बोला जाता है। ठीक है, तो रेडियस वेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो रेडियस एक मेजर होता है, लेकिन रेडियस वेक्टर अगर आप बोलोगे तो रेडियस वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होता है? तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा पीरियड और रेडियस वेक्टर, तो एंगुलर स्पीड क्या होता है? जैसे नॉर्मल स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड क्या होगा? तो एंगुलर स्पीड होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ गिवन टाइम। जैसे एंगुलर स्पीड जो है, ठीक है, उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन टी। ठीक है, अभी नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला अभी समझो यहाँ पे ओमेगा, ठीक है, जो ओमेगा सिंबल है वो एंगुलर स्पीड डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर मैं स्पीड का सिंबल देखूं, वेलोसिटी का सिंबल भी होता है, राइट? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। तो टाइम तो है, लेकिन वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो लीनियर होता है, एस होता है, राइट? डिस्प्लेसमेंट हम लोग एस से डिनोट करते हैं, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सर्कुलर मोशन में अगर एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ओके, तो गाइस हमने तीन कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। ये लेक्चर छोटा होगा, ठीक है, तो मैं बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो देखेंगे ना वो एक बड़ा डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन अब बहुत ईजी भी है। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना डिफरेंशिएशन के जो छोटे छोटे कंसेप्शन है, जैसे कि कांस्टेंट रूल, ओके, कांस्टेंट मल्टीपल्स, सम डिफरेंस, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल, ये सब अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये सब टर्म्स है ना, इसमें से कुछ जो टर्म्स है, जैसे कि साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस का डेरिवेटिव क्या है, ये दोनों की जो डेरिवेटिव है ये पूरे डेरिवेशन में एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो इसलिए ये बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस? तो डिफरेंशिएशन जो होता है ना, कोई भी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कोई ना कोई तो आउटपुट आता है, आंसर आता है। ठीक है, अभी सपोज अगर मैं कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है, डेरिवेटिव का सिंबल होता है डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, देखो सर हर एक फंक्शन का है ना, अभी मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो उसका सिंबल देखो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मल्टीपल, d by dx of sum and difference। ठीक है, मतलब sum and difference में क्या होता है कि फंक्शन जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, जैसे कि 3x square plus 5x plus 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि sum और difference, ठीक है, 3x square minus 5x minus 3। ठीक है, तो sum और difference में बस फंक्शंस ऐड किए जाएंगे, sum में फंक्शंस ऐड किए जाएंगे, difference में फंक्शन सबट्रैक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, 3, 4, 8, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर, उसका अगर हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो ये बात याद रखो। ठीक है, अगर मैं समझू डेरिवेटिव का 3, ओके, 3 का डेरिवेटिव क्या है? तो 3 का डेरिवेटिव, 3 तो एक कांस्टेंट है, तो 3 का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट मल्टीपल बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी समझो कांस्टेंट मल्टीपल का मतलब क्या है गाइस? तो मैं आपको एनोटेट करके दिखाता हूँ। कॉन्स्टेंट मल्टीपल समझो 3x। ठीक है, कॉन्स्टेंट मल्टीपल आप ऐसे समझ सकते हो। तो कॉन्स्टेंट मल्टीपल का डेरिवेटिव क्या आता है? तो सबसे पहले ये जो x आपको दिख रहा है ना, ठीक है,
ये जो भी आपको 3x जो दिख रहा है ना, ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो मैंने बताया था कि डेरिवेटिव जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के अंडर होता है, राइट। फिर से ड्रॉ करता हूँ। अभी यहाँ पे देखो 3x, ठीक है, हम लोग डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? डी बाई डी एक्स है ना, तो हम लोग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। तो फंक्शन अगर रहेगा समझो y इज इक्वल टू 3x, तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं ना, तो 3 क्या है? 3 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो कांस्टेंट मल्टीपल पे ना एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो और d बाय dx जो होता है मतलब डेरिवेटिव हम लोग को x के रिस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आ रही है लेकिन ठीक है, एडजस्ट कर लो, ठीक है। अभी dx अपॉन dx क्या आ जाएगा? कट हो जाएगा और 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और अगर वेरिएबल एक्स है, ठीक है, तो dx अपॉन dx 1 आ जाएगा, तो आंसर जो भी कॉन्स्टेंट रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो c इंटू du बाई dx, अभी सपोज ये c 3 है और du बाई dx से पहले मतलब समझो u, ठीक है, u अगर x है तो सी एक्स अगर होता, ठीक है, तो सी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स मतलब डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग सम और डिफरेंस रूल देखते हैं तो यू मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस माइनस वी, अभी यू प्लस माइनस वी ब्रैकेट में, तो डेरिवेटिव कैसे हम लोग इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो हम लोग ना सेपरेट करेंगे, मतलब डी यू बाई डी एक्स पहले लेंगे प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स लेंगे, ठीक है। अभी ये पावर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सबसे बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का। तो एक्स रेस टू एन, अभी एक्स रेस टू एन मतलब क्या? एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स रेस टू 4 हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो क्या करने का, पावर जो है ना वो एक्स के बगल में लाने का, ठीक है, और जो भी पावर है, ठीक है, एक्स का वो एक से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब है पावर में 3 है, तो 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक्स है, ठीक है, और पावर में ना देखो गाइस पावर में समझो स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा? तो डेरिवेटिव में आपको ट्रिक बताता हूँ, ये जो पावर है ना उसको आगे लाओ, 2 आगे लाओ, ठीक है, और एक्स का पावर एक से कम करो, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप एक्स का क्यूब देखते हो, ठीक है, एक्स का अगर आप क्यूब देखते हो, ठीक है, तो क्या, तो डेरिवेटिव कैसे आएगा? तो क्या करने का, पावर जो है वो एक्स के बगल में लाने का, तो 3, ठीक है, और एक्स, ठीक है, और पावर एक से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, हो गया। ये बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है, अगर ये बहुत सबसे बेसिक टर्म है डिफरेंशिएशन का, पावर रूल, ठीक है, ओके। अभी हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल भी इंपॉर्टेंट है गाइस, प्रोडक्ट रूल तो बहुत इजी है, ठीक है, पावर रूल हो गया, अभी प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में कैसा होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दो फंक्शन जो होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। सपोज यूवी की जगह हम लोग एक्स और वाई लेते हैं, ठीक है, एक्स और वाई लेते हैं, तो एक्स और वाई का हम लोग डेरिवेटिव कैसे लेंगे गाइस? ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला के अनुसार जाते हैं, ठीक है, यूवी का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, मतलब दो फंक्शन में से सबसे पहले क्या किया, जो दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है, पहले फंक्शन को वैसे ही रखा है, प्लस किया है दूसरे फंक्शन को वैसे रखा है और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। एक्स वाई में भी वैसे ही करना है, एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, बहुत सिंपल है, ओके। अभी यू बाई वी, यू बाई वी का हमें क्वेश्चन रूल, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट रूल होता है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, लेकिन अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे? तो क्वेश्चन रूल यूज करेंगे। क्वेश्चन रूल कैसे यूज करते हैं उसका भी फॉर्मूला आपको बैड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि वी यू अपॉन वी है, तो डिनोमिनेटर का वी पहले लो, ठीक है, वी, और न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लो, तो वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस करो, ठीक है। देखो याद रखो, प्रोडक्ट में ना मल्टीप्लीकेशन के साथ, प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन होगा, ठीक है, मतलब अगर प्रोडक्ट रूल है ना तो आंसर में एडिशन आ रहा है, अगर क्वेश्चन रूल है डिविजन है तो आंसर में सब्ट्रैक्शन आएगा, ये याद रखो, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला क्या आएगा, यू बाई वी का डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम लोग? तो वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, प्रोडक्ट रूल में क्या किया, पहले फंक्शन को वैसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, प्लस किया, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखा, ठीक है, और पहले का डेरिवेटिव लिया। वैसे ही सेकंड में भी करना है, बस इसका फॉर्मेट डिफरेंट है, ठीक है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, ठीक है। तो गाइस आज के लेक्चर में हमने प्रोडक्ट रूल तक कंप्लीट किया, ठीक है, क्वेश्चन रूल भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चेन रूल, एब्सोल्यूट वैल्यू रूल और एब्सोल्यूट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए डू लाइक, टू शेयर, टू सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।